Ji, Assalamu alaikum. This is Dr. Ahmad Hassan and I'm the Chief Mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by Med Exam Expert and the Study Mate. This session has been planned for the February attempt candidates who are going to appear in the February 2021 FCPS Part 1 examination. सबसे जो important तरीन चीज़ होती है exam में appear होने से पहले is the timetable, ठीक है ना, is the knowledge about books, is the knowledge about the specific things that you need to cover and from the resources that needs to be completely done. Moreover, एक और चीज़ जो बहुत important आती है कि आपको proper guideline मिलनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में अपेयर हो सकें. और FCPS पार्ट वन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी डोमेन है कि जिसके अंदर गाइडेंस जो है वो लिमिटेड है और अगर अवेलेबल भी है तो इट इज़ बाइस्ड, ठीक है. तो इसीलिए हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया था स्टडी मेट, उसको हम लोगों ने FCPS पार्ट वन के लिए भी ओपन किया और हमने ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू किए ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए कि हाउ दिस एग्ज़ाम कैन बी अप्रोच्ड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, विच बुक्स टू फॉलो, व्हाट प्रेपरेटरी स्केड्यूल इज़ द बेस्ट फॉर ईच कैंडिडेट और अल्टीमेटली एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या किस किस तरीके से करना चाहिए टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़ and be prepared for the worst, ठीक है. तो इसी बेस पे आज का जो ये सेशन है लाइव, ठीक है, वो प्लान किया गया है ताकि आपको पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें बता दी जाए कि आपने किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है. एक और बात मैं बताता चलूँ कि शुरू में आज सुबह मैंने एक पोस्ट किया था प्लान, जो कि एक जेनेरिक प्लान था सारी स्पेशलिटीज़ के लिए कि प्रिपेयर किस तरीके से करना है FCPS पार्ट वन के लिए, ठीक है. तो वो जेनेरिक प्लान मस्ट बी केप्ट विद यू, ठीक है ना, वो अपने पास रखें, उसको एक दफ़ा गौर से पढ़ें और फिर तैयारी शुरू करें. मेरे हिसाब से अगर आपको सही गाइडेंस मिली हो और आपको पता हो कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है तो हाफ योर जॉब इज ऑलरेडी डन, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, कि और इतनी ज़्यादा एडवाइसेज होती हैं कि आपकी तैयारी हैपेज़र्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. मैं फिर कहूँगा कि तैयारी जब शुरू करेंगे तो स्टिक टू वन पर्सन एंड वन गाइडलाइन. अगर आप एक से ज़्यादा गाइडलाइंस की तरफ जाएंगे तो यू विल एंड अप क्या कहते हैं बीइंग इन अ मेस, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपको समझ नहीं लगेगी आप क्या करेंगे, ठीक है. अब मैं शुरू करता हूँ जो फॉर्मली के प्लान किस तरीके से फॉलो करना है और किस तरीके से आपने आगे तैयारी करनी है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो तैयारी होती है FCPS पार्ट वन की, इसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है. इसके चार फेजेस हैं तैयारी के. फेज़ वन में आपने थ्योरी पढ़नी होती है, ठीक है, अलॉन्ग विद द वन लाइनर बुक एंड द एमसीक्यू बुक दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी वाइज, ठीक है. फेज़ टू में क्या करना होता है? फेज़ टू में आपने एमसीक्यूज करने होते हैं जो पास्ट पेपर्स के होते हैं, ठीक है. फेज़ थ्री में आपने क्या करना होता है? फेज़ थ्री में आपने एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स के सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक या फिर जो आपकी स्पेशलिटी होती है उससे रिलेटेड कोई अगर एक्स्ट्रा तैयारी है वो करनी होती है, ठीक हो गया. और फेज़ फोर में आपने रिवीजन करनी होती है, ठीक है. सो देयर आर फोर फेजेस ऑफ FCPS पार्ट वन प्रेपरेशन. इन चारों फेजेस में से अगर आपका एक फेज़ भी वीक रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि टू अपेयर इन एग्ज़ाम, ठीक है ना, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पास. इम्पॉसिबल नहीं, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है. इसीलिए अगर आप अपनी सारी बेसिस कवर करके जाएंगे तो फिर ये बात बनेगी। अब मैं चलता हूँ बारी बारी हर फेज को आहिस्ता आहिस्ता मैं डिलिनिएट करता हूँ और बताता हूँ कि उसमें क्या क्या तैयारी आपने करनी है। फेज वन में आपने थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अब थ्योरी के साथ आपने एक वन लाइनर बुक पढ़नी है और एमसीक्यू बुक पढ़नी है, दैट इज डिवाइडेड टॉपिक वाइज। अब जेनेरिक प्रेपरेशन जो है वो सब स्पेशलिटीज की एक ही होती है। सब स्पेशलिटीज ने ये चीजें करनी है जो मैं फेज वन में बता रहा हूँ, ठीक है। एनाटॉमी करने के लिए द फर्स्ट बुक, द थ्योरी बुक दैट यू वुड चूज वुड बी स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, जो छोटी वाली स्नेल होती है, बड़ी वाली स्नेल नहीं, छोटी वाली स्नेल, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, ठीक है। उसके बाद आप वन लाइनर बुक यूज करेंगे। हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, जो ये पढ़ी है, FCPS मेट, ठीक है, फर्स्ट एडिशन। इसके अंदर जो है वो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सब चीज़ों की, जो वन लाइनर्स की फॉर्म में अलग-अलग दी हुई हैं। ये इसके कंटेंट्स हैं और इसमें सारे रीजन्स अलग-अलग हैं एनाटॉमी के हवाले से भी, ठीक है। तो एनाटॉमी की आपने पढ़नी है स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, देन यू विल रीड FCPS मेट एंड देन यू विल मूव ऑन टूवर्ड्स राबिया अली, उसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। जॉन सा रीजन किया, अपर लिम किया, आपने स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू पढ़ी, FCPS मेट पढ़ी, राबिया अली करी, आपका अपर लिम खत्म। लोअर लिम किया, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू पढ़ी, FCPS मेट पढ़ी, राबिया अली पढ़ी, आपका लोअर लिम खत्म। इसी तरीके से थोरैक्स, इसी तरीके से एब्डोमेन, इसी तरीके से हेड एंड नेक, इसी तरीके से पेल्विस, ठीक है। ये हो गई आपकी एनाटॉमी। फिर चलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ। ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो नहायत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर कम से कम 110 टू 120 एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक हो गया। और बाकी स्पेशलिटीज में भी 100 एमसीक्यूज तो डेफिनेटली आएंगे आपके फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पक्की, तो ये चीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हम चलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ, तो ऑर्गन सिस्टम्स में the very first thing that you would read is the first aid of USMLE step 1. First aid of USMLE step 1 जो है ना वो आप पढ़ेंगे, साथ उसके BRS physiology पढ़ेंगे। BRS physiology में पहले इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि BRS physiology is a dry book। अगर आप शुरू वहां से करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल लूज इंटरेस्ट एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द थिंग्स इन टाइम। इसलिए फर्स्ट एड पहले, साथ साथ BRS फिजियोलॉजी। जब आपकी ये दो थ्योरी बुक्स हो जाएं तो साथ आप फिर पढ़ेंगे यही FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, ठीक हो गया। उसके बाद आप फिर मूव करेंगे टूवर्ड्स राबिया अली, ठीक है। तो यही ऑर्डर होगा, फर्स्ट एड, BRS फिजियोलॉजी, FCPS Mate First Edition and then Rabia Ali। सारे organ systems, चाहे वो GIT हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ठीक है, आपको नेफ्रोलॉजी आ जाए, CVS आ जाए, एंडोक्रिनोलॉजी आ जाए, कोई भी आ जाए चीज़, organ systems आपने इसी तरीके से पढ़नी है। एक चीज़ ऐड होगी जब आप न्यूरो की तरफ जाएंगे या CNS की तरफ जाएंगे, उसमें क्या चीज़ ऐड होगी? उसमें जो चीज ऐड होगी वो है कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी। कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी जो है वो ऐड होगी अलॉन्ग विद BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड और उसके बाद वही FCPS मेट, राबिया अली फर्स्ट एडिशन, 7th एडिशन, ठीक है। ये हो गई आपके ऑर्गन सिस्टम्स। आपके ये दो फेज वन की दो चीजें खत्म हो गई, एनाटॉमी एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब हम आगे चलते हैं माइनर्स की तरफ, ठीक है। माइनर्स में क्या करना है? माइनर्स में आपके आ जाते हैं, बारी बारी में बताता हूँ। जनरल पैथोलॉजी है, अगर जनरल पैथोलॉजी में द बुक यू विल फॉलो विल बी BRS पैथोलॉजी, ठीक है। BRS पैथोलॉजी में से आप करेंगे पहले 6 चैप्टर, ठीक है। साथ ही साथ एक चैप्टर आपने BRS पैथोलॉजी से किया, वही वाला चैप्टर आपने FCPS मेट फर्स्ट एडिशन से किया और उसी के MCQs के लिए राबिया अली से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर किया, फोर्थ चैप्टर किया BRS पैथोलॉजी से, साथ ही आपने फर्स्ट एडिशन एफसीपीएस मेट की, साथ ही आपने राबिया अली कर ली। लेकिन आगे जब आपने मूव किया, 7th और 8th चैप्टर गालिबन बनते हैं जो कि एनवायरमेंटल पैथोलॉजी है और नियोप्लेजिया है। एनवायरमेंटल पैथोलॉजी और नियोप्लेजिया अगर आप बीआरएस पैथोलॉजी से नहीं भी पढ़ते तो इट वोंट मैटर, अगर आप हमारी फाइल से पढ़ लेते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन है बाय आवर मेंटर्स ऑफ द स्टडी मेट एंड मेड एग्जाम एक्सपर्ट। ठीक है, वो फाइल्स आप पढ़ेंगे और साथ आप राबिया अली करेंगे और एफसीपीएस मेट करेंगे तो आपके वो दो चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। एनवायरमेंटल पैथोलॉजी एंड नियोप्लेजिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ जो है वो अलहदा है जो आ जाती है आपकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इफ आई एम कंसिडरिंग एनी स्पेशलिटी एक्सेप्ट पैथोलॉजी। जो लोग पैथोलॉजी के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए जेनेटिक्स मस्ट है। जो लोग पैथोलॉजी के लिए अपेयर नहीं हो रहे तो जेनेटिक्स वो अगर छोड़ भी जाएं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे कैन यूज एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन एंड दे कैन गो थ्रू द एमसीक्यूज ऑफ राबिया अली 7th एडिशन, तो उनके लिए ये चीजें इनफ होंगी। ठीक है, बाकी गोल्डन फाइल्स जब आएंगी या एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गई आपकी जनरल पैथोलॉजी। इसके बाद चलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है, वही वाली बात है कि अगर आप उठाते हो फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड का नुकसान क्या होगा इस केस में? फर्स्ट एड बहुत लेंथी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। माइक्रोबायोलॉजी से आपको आएंगे एमसीक्यूज मुश्किल से 6-7, ठीक है, 8 आ जाएंगे या 10 आ जाएंगे। चले उन 10 में से देयर इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के अगर 10 आते हैं तो 7 एमसीक्यूज रिपीटेड होंगे और जो 3 होंगे वो आप कर सकते होंगे अगर आपने फर्स्ट एड भी नहीं पढ़ी। तो एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन इज द बुक टू बी फॉलोड फॉर माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपके पास टाइम है फॉर राबिया अली तो आप राबिया अली से एमसीक्यूज कर सकते हो, वरना ओनली एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन वुड डू। जैसे इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ऑलमोस्ट जो बस पॉइंट्स हैं वो 681 बस पॉइंट्स हैं अलहदा। ठीक है, 681 पॉइंट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के और वो भी सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे स्टैफ ऑरियस का अलहदा है, सारी चीज़ें लिखी हुई, ठीक है, स्टैफ एपिडर्माइटिस की अलहदा लिखी होंगी, सूडोमोनस की अलहदा लिखी हुई है, तो टेटनस की अलहदा है। ये सारी अलग अलग हेडिंग्स देके उनके जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वन लाइनर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी इज टू बी डन ओनली एंड ओनली फ्रॉम एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन एंड इफ यू हैव टाइम यू विल मूव टुवर्ड्स राबिया अली। ठीक हो गया। टेम्परेचर रेगुलेशन ओनली एंड ओनली एफसीपीएस मेट। बायोस्टैट, एथिक्स, हिस्टो, बायोकेम, ये चारों चीजें आपने करनी है ओनली एंड ओनली फ्रॉम एफसीपीएस मेट अलोंग विद एमसीक्यूज फ्रॉम राबिया अली। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। एम्ब्रियोलॉजी इज वेरी वेरी हाई यील्ड इफ यू आर अपेयरिंग फॉर रेडियोलॉजी, इफ यू आर अपेयरिंग फ्रॉम फॉर ईएनटी, आई or even for gynecology. But if you are appearing for say medicine or surgery, तो फिर embryology is not that high yield. ठीक है, तो उस केस में आपने जो मैं recommend करता हूँ और सारे mentors भी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ FCPS मेट पढ़ें, जो embryology आपकी organ systems में first aid में दी हुई है उतनी सी पढ़ लें और साथ आप राबिया अली कर लें तो दैट वुड डू। अगर आपके पास टाइम है तो यू विल डेफिनेटली गो थ्रू हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी बुक है ये अलहदा। ठीक है, अच्छा ये हो गई आपकी जनरल पैथोलॉजी, हो गई माइक्रोबायोलॉजी, हो गई एम्ब्रियोलॉजी का बता दिया, टेम्परेचर रेगुलेशन का बता दिया, बायोस्टैट, हिस्टो, एथिक्स, बायोकेम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। रह क्या गया? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आपने पढ़नी है फ्रॉम बीआरएस पैथोलॉजी। ठीक है, फिर आपने करनी है टेबल्स फ्रॉम फर्स्ट एड, उसके बाद आपने पढ़नी FCPS मेट फर्स्ट एडिशन जो ये है, और उसके बाद आपने राबिया अली से MCQs कर लिया, तो आपकी इम्यूनोलॉजी भी तैयार हो जाए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं कह रहा हूं ना कि ऑर्गन सिस्टम से आपने फर्स्ट एड पढ़नी है, दिस मीन्स दैट यू विल हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग रिटन इन द फर्स्ट एड एक्सेप्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी अगर सिर्फ आपके पास टाइम हो तो बढ़नी है। फार्माकोलॉजी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको एक फाइल प्रोवाइड करेंगे, PDF प्रोवाइड करेंगे, आप उधर से करके जा सकते हैं अलॉन्ग विद MCQs फ्रॉम राबिया अली, दैट वुड बी मोर देन एनफ। अगर टाइम नहीं है तो आप MCQs ऑफ राबिया अली स्किप कर सकते हैं, वो फाइल कर दें, मोर देन एनफ होगी। उस फाइल का प्रिंटेड वर्जन इज प्रेजेंट इन दिस बुक FCPS Mate Gold Recalls 7, 8, 9, 10। इसके अंदर उसकी फार्माकोलॉजी का जो है ना प्रिंटेड वर्जन है पूरी फाइल का, और इसके भी तकरीबन 14 और 15 20 पेजेस में पूरी फार्माकोलॉजी जो है ना उसके MCQs हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 500 पॉइंट्स, 518 पॉइंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी है, ठीक है, जो कि इसमें है, ठीक है। तो उसके बाद फार्माकोलॉजी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप सिर्फ और सिर्फ राबिया अली से MCQs कर सकते हैं, एंड यू कैन अपेयर इन द एग्जाम आराम से, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये हो गए आपका Phase 1। आपने Phase 1 में 3 चीजें की हैं, एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स एंड माइनर्स। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपने किस किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोएनाटॉमी ने आपको बताया भी कि न्यूरोएनाटॉमी आपने कैप्लान न्यूरोएनाटॉमी अलॉन्ग विद फर्स्ट एड, अलॉन्ग विद BRS, फिर FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, और उसके बाद राबिया अली 7th एडिशन, ठीक है। क्लियर हो गया बात से आपको? क्लियर हो गया तो यस लिख दे, फिर मैं आगे मूव करता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गई जी आपका Phase 1। ये सब स्पेशलिटीज के लिए एक एग्रीड अपॉन बात है कि ये करना ही करना है, इसी तरीके से करना है। कुछ स्पेशलिटीज में कुछ चीज़ें जो हैं वो कम इंपॉर्टेंस की होती हैं, ठीक है, लेकिन करनी तो अल्टीमेटली आपने सारी ही है। फर्स्ट फेज सबके लिए कॉमन है। अब चलते हैं जी Phase 2 की तरफ। Phase 2 में आपने पास्ट MCQs करने हैं। Phase 2 में जो आपने पास्ट MCQs करने हैं वो किस तरीके से करने हैं? अब जो मैं रेकमेंड करता हूं हमेशा, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए Gold 7 से आगे सारी फाइल्स, Gold 7 से आगे सारी फाइल्स। उसमें आपने ये भी नहीं देखना कि आपकी स्पेशलिटी का पेपर है या नहीं है। अगर आप मेडिसिन के लिए अपेयर हो रहे हो, आप सर्जरी का पेपर भी करोगे, गायनी का पेपर भी करोगे, रेडियोलॉजी का पेपर भी करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आई के लिए अपेयर हो रहे हो, फिर भी आप मेडिसिन का भी करोगे, सर्जरी का भी करोगे। समझ लग गई बात की? तो 7 ऑनवर्ड्स आपने सारे पेपर्स करने हैं। ये बुक है FCPS Mate Gold Recall 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इसके अंदर 7 ऑनवर्ड्स सारी गोल्डन फाइल्स, और इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है वो क्या है कि हमने Gold 7 और 8 वन लाइनर की फॉर्म में है सारी, वो Section 1 है, और वो सारी की सारी डिवाइडेड है थ्योरी, जैसे जैसे FCPS Mate फर्स्ट एडिशन में है, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज डिवाइडेड है। ऐसे ही जो Section 1 है इसका, वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, ठीक हो गया। Section 2 की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं Gold 9 रिकॉल्स। Gold 9 रिकॉल्स पेपर वाइज है, MCQs बने हुए हैं, ठीक है, और ये हाईली चेक्ड है, और इस तरह की बुक इतनी कम मिस्टेक्स वाली मेरा निकाल के अभी तक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। और जो इसका सेक्शन अगला है सेक्शन 3, उसके अंदर हमारे पास गोल्ड 10 है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे फरवरी और जुलाई के पेपर्स हैं वन लाइनर की फॉर्म में along with the explanation of the one liners that is required. क्योंकि मैं आपको अभी बताता चलूं कि फेल होने की रीजन सबसे बड़ी पता क्या होती है FCPS पार्ट 1 में, कि लोग MCQ बुक्स जो आई हुई है मार्केट में बेतहाशा गलतियों वाली, बाद में वो एडिशन रिवाइज करते हैं बार बार, ठीक है, कि वो मार्केट में चलती रहे, ठीक है, लेकिन मसला ये होता है उसमें गलतियां इतनी होती हैं कि वो ठीक ही नहीं हो सक रही होती, ठीक है. अब उसकी वजह से क्या होता है कि लोग उनको रैंडमली रूट लर्न करके चले जाते हैं. अब जब उनको रूट लर्न करके जाते हैं और आगे सीपीएसपी में स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज मिलती है तो वो समझते हैं कि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी हुई है, बल्कि हालांकि उन्होंने पढ़ी नहीं होती, वो गलत पढ़ी होती है उन बुक्स में, तो वो गलत कराते हैं वहाँ पे एंड दे एंड अप फेलिंग द एग्जाम, ठीक है. ये बहुत से कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, ठीक है. कुछ एक गायनी की किताब भी इस तरीके की है, ठीक है, और जो है बाकी किताबें भी इस तरीके की. गलतियां इतनी होती है कि आप रट के चले जाते हो, आगे आपको चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं, आप समझते हो आपने पढ़ी हुई है, आप उस लिहाज से कर आते हो एंड यू एंड अप फेलिंग द एग्जाम, ठीक है. ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होती है, ठीक है. तो बुक वो वाली फॉलो करें जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दी हों कि आपको समझ लग रही हो. हम गोल्ड 7 ऑनवर्ड्स ये रिकमेंड करते हैं और इसके बाद, ठीक है, 7, 8, 9, 10 के लिए ये वाली हो गई और 11 के लिए ये नई बुक आई है FCPS Mate Gold Recalls 11, ठीक है. इसके अंदर हमारे सितंबर और नवंबर 2020 के पेपर्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी हमने वन लाइनर की फॉर्म में कन्वर्ट की है और बीच में टेबल्स और डायग्राम्स भी हैं. ये आप देख सकते हैं, टेबल है, ठीक है, और जैसे ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल्स हैं, बीच में डायग्राम्स भी हैं और वो इसीलिए डाली गई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी सही तरीके से बने और आपको चीज़ें समझ भी लग रही हों और आपको याद भी हो रही हों. और अगर सीपीएसपी स्टेम चेंज करते हैं, ऑप्शंस घुमाते हैं, तो यू डोंट एंड अप फेलिंग द एग्जाम, ठीक है. जो मन गढ़त ऑप्शंस ऐड करके अगर एमसीक्यूज इसके बन जाते तो दैट वुड बी अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बुक. लेकिन जो क्रूड और रॉ फॉर्म होती है ना, उसकी एसेंस, ठीक है, कि आपको पता हो कि एक बंदा जो एग्जाम दे के आया उसने आके ये बताया, आप अपनी तरह से ऑप्शन उसमें ऐड नहीं कर रहे. इसका ये फायदा होता है कि आपकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है और जो सोचने की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रीमलाइन होती है, आपको पता होता है किस डायरेक्शन में सोचना है. तो फेज 2 में गोल्डन 7 ऑनवर्ड्स आपने सारी स्पेशलिटीज के पेपर्स करने हैं, प्रेफरेबली फ्रॉम FCPS Mate Gold Recalls 7, 8, 9, 10, ठीक है, एंड FCPS Mate Gold Recalls 11, ठीक है. ये हो गया फेज 2. इसके बाद आप मूव करते हैं फेज 3 की तरफ. फेज 3 में आ जाती है आपकी अपनी स्पेशलिटी की तैयारी, ठीक है, जिसमें आपने अपनी स्पेशलिटी के लिहाज से करना है. यहाँ पे मैं सेग्रीगेट करूंगा, हर स्पेशलिटी का मैं अलग-अलग बताने लगा, ठीक है. अब पहले चलते हैं जी मेडिसिन की तरफ. मेडिसिन में आपने 1 से 6 गोल्डन फाइल्स करनी है, सिर्फ मेडिसिन के पेपर्स, ठीक है, फ्रॉम एनी अवेलेबल बुक इन द मार्केट, ठीक है. उसके लिए FCPS Mate नहीं है तो आपको उन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक हो गया. अगर सर्जरी या रेडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं तो 1 से 6 तक आप सिर्फ सर्जरी और रेडियोलॉजी के पेपर्स करेंगे, ठीक है, फ्रॉम एनी अवेलेबल बुक इन द मार्केट. उसके बाद अगर आप जा रहे हैं गायनी के लिए, तो गायनी के लिए आप करेंगे आसिम एंड शुएब गायनाकोलॉजी, साथ ही साथ FCPS Mate गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स विल बी इन मार्केट सून इन अबाउट 10 to 15 days, वो कर लें, ठीक है, तो यू विल बी गुड इनफ टू गो फॉर गायनी. ये साथ 7 to 11 तो सारी करनी है, ठीक है. उसके अलावा और कौन सी स्पेशलिटी, आप एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो उसमें राली फाइल्स आ जाती हैं, वो करनी होती है. अगर आप ENT या आई की बात करते हैं तो उसमें आपकी तैयारी थोड़ी सी फर्क है, उसमें 7 to 11 तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है. उसके अलावा आई के अंदर उसामा नोट्स आ जाते हैं, आई के अंदर साथ ही साथ आ जाते हैं डॉक्टर अली और डॉक्टर फरियाल के नोट्स, स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी से थोड़ी सी कोई डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो डॉक्टर अली ने सेग्रीगेट किए हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से ईएनटी का भी ऐसे ही है, ढिंगरा से कुछ टॉपिक्स हैं जो डॉक्टर मोविस ने बताए हुए हैं, वो करने आपने। अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव टू कंप्लीट ईएनटी ऑल इन वन जो निगार है, और साथ ही साथ आपने ढिंगरा के एमसीक्यूज करने होंगे। ऑल क्लियर यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अच्छा अब आता है नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज है हमारे पास जो फेज 4 है, जिसमें आपने करनी है रिवीजन। रिवीजन में भी आपकी गोल्ड फाइल 7 to 11 और एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन, ये तीनों चीजें रिवाइज कर दी है। ये तो हो गया आपका ओवरव्यू कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट रीड जो होती है उसमें आपने क्या क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट तरीन चीज मैं बताने लगूंगा। फर्स्ट रीड में आपने 3 तरह के हाइलाइटर्स ले लेने हैं। एक हाइलाइटर से वो चीजें मार्क करनी है जो कि आपकी गलत हुई है, दूसरे रंग से आपने वो वाली चीजें मार्क करनी है जो कि आपको मुश्किल लगी है, ठीक है, और तीसरे रंग से आपने वो चीजें मार्क करनी है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे C7, T8, T4, 13 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5%, ठीक है। इसी प्रायोरिटी में आपने जब रिवाइज करना है तो ये जो चीज़ें मार्क्ड होंगी ना, पहले आप ये रिवाइज करोगे और बाद में आप बाकियों की तरफ जाओगे। तो ये है पूरी की पूरी तैयारी जो है FCPS पार्ट 1 की, जिस तरीके से आपने करनी है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो ये वाली बुक है ना, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, इसकी डिस्कशन हमने अरेंज की है डॉक्टर रिमशा सहर, हु हैज रिसेंटली क्लियर्ड हर एग्जाम, ठीक है ना, वुड बी विद अस। वो डिस्कस करेंगी पूरी बुक FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, और उसका स्केड्यूल जो है वो ऑलरेडी पोस्टेड है ऑन द स्टडी मेट पेज, ठीक है। वो जो स्केड्यूल है उसको आप रख लें अपने पास, और टेलीग्राम ग्रुप पे रोज की बेस पे 10 से 12 पेज इसके होंगे। तो 24 दिसंबर से शुरू होगी और 23 जनवरी को खत्म भी हो जाएगी इसकी डिस्कशन, ठीक है। तो रोज का अगर आप 1 घंटा निकालते हैं सिर्फ गोल्डन 11 के लिए, तो वो आपकी इसी तरीके से याद भी हो जाएगी, आप गो थ्रू भी कर लोगे, और ईजिली यू विल बी एबल टू कोप अप, ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी कि गोल्डन मेट्स किस तरीके से खत्म करनी है। मैंने आपको बताया है कि आपने जो है ना वो बेसिकली मार्क करते हुए जाना है। जब आप पहले रीड कर रहे होंगे, जब मार्क करेंगे तो उसके बाद आपकी जो बुक रह जाएगी जो मार्क्ड होगी एंड पे, इट वुड बी मैक्सिमम ऑफ 20 या 30% या 40, इससे ऊपर नहीं कभी होगी मार्क। वो जो 40% होगी वो स्पीड से रिवाइज हो सकती है, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। तो बेसिकली आपने इन फेजेस पे स्टिक रहना है। फेज 1 theory with FCPS Mate and Rabia Ali, phase 2 Golden Files 7 to 11 from FCPS Mate Gold Recalls 7, 8, 9, 10 and FCPS Mate Gold Recalls 11. फेज थ्री में आपने जो अपनी स्पेशलिटी की 1 से 6 वाली गोल्डन फाइल्स, ठीक है, लेकिन गायनी के लिए फ़र्क है, आपने आसिम एंड शुएब गायनोकोलॉजी अलॉन्ग विद एफसीपीएस मेड गायनी और दैट विल बी रिलीज इन 10 to 15 डेज इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आपने ईएनटी के लिए मैंने आपको बता दिया, निगार है, डोकर है, ठीक है। इसी तरीके से आई के लिए उसामा नोट्स हैं, डॉक्टर अली, डॉक्टर फरियाल के नोट्स हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया के लिए राली नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने एंड पे फिर जब आप इस तरीके से गुजरेंगे और मार्क करते हुए जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू मार्क द बुक एंड डिस्टिंग्विश विच थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, ठीक है ना, एंड विच थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी रिवाइज एट द वेरी एंड। तो एंड पे आपने वो रिवाइज कर लेनी है एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जाम। If there are any other questions, you can just raise your hand and I will be happy to unmute you, ठीक है। और अगर नहीं है questions तो मेरे ख्याल से we should end the live session. Queries आप लोग फिर बाद में भी पूछ सकते हैं। दोबारा से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो कि हमारा पब्लिक ग्रुप है, और उसके अंदर जब आप बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर डिस्कशन होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 24 दिसंबर ऑफ गोल्डन 11 या गोल्ड रिकॉल्स 11 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किस किस ईयर के पास्ट एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं, कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हैं आप? जो गोल्ड रिकॉल्स 11 है उसमें सितंबर और नवंबर 2020 के, ठीक है। जो एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 है, ठीक है, उसके अंदर गोल्डन फाइल 7 ऑनवर्ड्स है, ठीक है। और जो एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन है उसके अंदर हमने वन लाइनर्स की फॉर्म में डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ें इकट्ठी करके टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। क्लियर हो गया इकरा? आप कॉल कर सकती हैं ज़ुबैर बुक डिपो को एंड दे विल हेल्प यू आउट विद दिस कि वो यूएई डिलीवर करती हैं कि नहीं। टेलीग्राम का लिंक जो है ना, ठीक है, ठहरे एक मिनट, टेलीग्राम का लिंक 1 मिनट दें मुझे। Sure ji, this is the Telegram link. अच्छा जी, क्वेश्चन है डू वी नीड देयर एरेटास एंड क्या इनके आंसर डिस्क्राइब किए हुए हैं? जी जी, आंसर जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जिन एमसीक्यूज की डिस्क्रिप्शन की, वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। ये वाली जो बुक है ना, ठीक है, गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर देखिए 618 पेजेस की बुक है, ठीक है। अब इसमें जो हमने गलतियाँ निकाली थी, इसको बार बार रिव्यू करके भी हमारे पास मेरे ख्याल से 45 मिस्टेक्स निकली है टोटली। मैं शेयर कर देता हूँ उसका डाटा, ठीक है। तो जब इसको रिवाइज करेंगे बाद में तो फिर ऑब्वियसली जो है ना वो बाद में हम लोग क्या कहते हैं निकाल देंगे, लेकिन अभी हम इसको इसलिए रीप्रिंट नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम इसको रीप्रिंट करते हैं तो जिनके पास ये बुक है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इसको फॉलो करें, मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। और इसमें गारंटीड बात है कि इसको हमने कम से कम 4 दफ़ा रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलती निकलेगी, अगर होगी तो 2% के करीब होगी। Sir, I messaged you once when I want to join the online course, but I have not got the books but you have mentioned, but now I want to buy a book or at least join the MCQ sessions. आप कर सकते हो join. You can text me on the Study Mate's official number. ठीक है, उधर मैं आपको guide कर देता हूँ. Prices 10 is up. इनको कॉन्टेक्ट करें. ठीक है, FCPS Mate first. ठीक है, ये जो है ना इनकी प्राइसेस आ गई. इसी को जुबैर बुक डिपो को आप कॉल करेंगे तो वो भेज देंगे आपको. ठीक है, वरना कराची में मेरे ख्याल से विनको के पास अवेलेबल है ये सारी. ठीक हो गया, कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं? जी, गैलेक्सी A3 मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, मैंने आपको, अब बात कर सकते हो. अनम्यूट कर दिया आपको मैंने. टेलीग्राम का लिंक ना यहाँ पे जूम पे शेयर नहीं हो सक रहा मुझसे, तो आप लोग जो है ना वो स्टडी मेट का पेज खोलेंगे ना तो उस पर शेयर किया हुआ है. कोई और क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. एक हैंड रेज हुआ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को. अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन एंड दिस सेशन. ठीक हो गया, फिर चलें एंड करते हैं सेशन. दुआओं में याद रखें एंड यू कैन ज्वाइन द डिस्कशंस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप FCPS Med Gold Recalls 11 की. दिस इज डॉक्टर अहमद हसन साइनिंग ऑफ. जज़ाकल्लाहुल खैर. अल्लाह हाफिज़.